आयुष्मान भारत कार्ड बनाना और प्रिंट करना बहुत ही आसान है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आयुष्मान भारत कार्ड पीवीसी कार्ड में मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड सीएससी वैली अगर आपने आयुष्मान कार्ड जितना भी बनाया था वो सभी आप पीवीसी कार्ड में अपने सेंटर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस को फॉलो करना होगा और आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके सेंटर पर जितना भी आपने आयुष्मान कार्ड बनाया था वो पीवीसी कार्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके सेंटर पर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में पीएमजे कार्ड ऑर्डर करने का वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा लॉगिन वीएलई सीएससी कनेक्ट और मेंबर लॉगिन। तो सिंपली आपको वीएलई सीएससी कनेक्ट पर क्लिक करके और अपना यूज़र आईडी सीएससी आईडी और पासवर्ड से और कैप्चा को फिल करके सिंपली साइन इन हो जाएंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे आपको वेलकम करके आपका आईडी यहां पर शो होगा और यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आप अपना डिटेल्स को फिल करेंगे और अपना जो भी एड्रेस है वो सारा डिटेल्स और एड्रेस के साथ इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके एड्रेस पर पीवीसी कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आपको इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप किस तरह से फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस तरह से आप अपना स्टेटस को चेक करेंगे कि कितना कार्ड हमारे पास आ रहा है या डिस्पैच हुआ या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए रजिस्टर हेयर पर क्लिक करते ही आपका सी एस सी आई डी और नेम यहाँ पर शो होगा। तो सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बॉक्स को फिल करना है, जैसे वी एल ई नेम को फिल करना है, मोबाइल नंबर को फिल करना है, नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी आपके ऑलरेडी पहले से ही यहां पर शो होगा, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी को फिल करना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ही आपका आ जाएगा, नेक्स्ट है ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक है सही से उस ब्लॉक को फिल करेंगे। तो चलिए अभी हम ईमेल अल्टरनेट ईमेल आईडी को एंटर कर दिए, नेम एंटर कर दिए और मोबाइल नंबर को एंटर कर दिए। अब नेक्स्ट है ब्लॉक, ब्लॉक को यहाँ पर एंटर करना है और अपना पिन कोड को एंटर करना है। तो चलिए अभी हम पिन कोड को एंटर कर दे रहे हैं। नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, मेंशन कंप्लीट एड्रेस वेयर यू वांट टू गेट द आयुष्मान भारत पीवीसी कार्ड टू बी डिलीवर नियर एड्रेस लाइन। तो फ्रेंड्स इस बॉक्स में आपको पूरा एड्रेस आपका सेंटर का जो भी लोकेशन है पूरा एग्जैक्ट उस लोकेशन का यहां पर डिटेल्स दीजिए ताकि कार्ड डिस्पैच करने में कार्ड रिसीव करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पूरा फुल डिटेल्स यहां पर इस बॉक्स में लिख दीजिए मोबाइल नंबर के साथ, जो भी आपका गाँव विलेज और पोस्ट ऑफिस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड और मोबाइल नंबर ये जो भी है आपका इस बॉक्स में आपको पूरा डिटेल्स में आपको फिल करना है। जैसे ही आप इस बॉक्स को फिल कर देते हैं उसी लोकेशन पर ही आपका पीवीसी कार्ड प्राप्त होगा और यहां पर आपको लैंडमार्क भी दे देना है, आपके सामने आपके शॉप के सामने या आपके ऑफिस के सामने जो भी लोकेशन लैंडमार्क में होगा उसको फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस बॉक्स को अच्छी तरह से फिल कर देते हैं सिंपली इस बॉक्स को टिक कर देना है आई एग्री पर और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए अभी हम एक बार डिटेल्स को फिर से चेक कर लेते हैं, एड्रेस आपका पूरा एग्जैक्ट करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए अभी हम अपना डिटेल्स को फिल कर चुके हैं और नेक्स्ट सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां से कंफर्म करने का एक मैसेज पेज ओपन होगा, जहां से रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने जो भी डिटेल्स पीछे अभी फिल किया था वो सारा डिटेल्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप इसको कंफर्म कर लेंगे, चेक कर लेंगे, अगर किसी तरह की कोई डिटेल्स मिसमैच है तो आप एडिट कर सकते हैं या अगर सही है तो आप सिंपली इसको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा इस तरह से। तो सिंपली आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे,
करेंगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से थ्री ऑप्शंस है, फर्स्ट है कार्ड रिसीव, सेकंड है कार्ड डिलीवर और थर्ड है क्लिक डिस्पैच स्टेटस। तो आप क्लिक डिस्पैच स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स में शो होगा कि आपका कार्ड डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद कितना रिसीव हुआ, कितना डिलीवर्ड हो चुका है, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।